أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع آیت مہربان رحم والا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے صدق اللہ مولانا العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کوہ نور نیوز پر سحر کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں احترام رمضان میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور وقاص علی خالد کے ساتھ آج گیارہواں روزہ ہونے کو ہے اور گیارہویں روزے کی سحری کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہیں عشرہ رحمت ہم لوگوں سے جدا ہو چکا ہے اور عشرہ مغفرت میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں اب رحمت کے اس عشرے میں اپنے اپنی جانب سے اپنے انداز میں اپنے طریقے سے اپنے رب کو منانے کی ہر بندے نے کوشش کی ہے اور رب کی بارگاہ سے رحمت کی نوید کس کو سنائی گئی ہے رحمت کی بارش کس پر کی گئی ہے
यकीनन ये रब की ज़ात बेहतर जानती है या रब का वो बंदा जानता है जिसने खालिसतन अल्लाह के रसूल की इबादत की है। तो अशरा मगफिरत में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और आज 11वां रोज़ा इंशाअल्लाह होने को है और हर रोज़ हमारी आप लोगों से मुलाकात रहती है। ये मुलाकात इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंतहाए रमज़ान तक रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से सहर की इन बाबरकत घड़ियों का आगाज़ होता है, फिर गुफ्तगू होती है और आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना मोहब्बत जो हमारे मेहमान सना खान होते हैं वो पेश करने की ये सआदत हासिल करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सफ़र यूँ ही जारी वसारी रहेगा। आप लोगों की लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। कोहिनूर पर तमाम देखने वाले और FM जज्बा 90.4 बुरे वाला पर जो हमारे सामाइन सुन रहे हैं उन तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर बहुत मोहब्बत और अकीदत के साथ सलाम अकीदत पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम व सल्ले अलैहि। यूँ तो खालिक अर्ज़ो समा का फरमान हम सब के लिए है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, व रहमती वासियत कुल शय, उसकी रहमत ने हर शय को अपने दामन में छुपा रखा है। कायनात की जितनी भी अशिया हैं, जितने आलमीन हैं, सभी अल्लाह की रहमत के दामन में हैं। अशरा रहमत में खाली के रज़ो समा की रहमत सब पे बरस रही थी और खूब बरस रही थी। आप रहमत के साथ साथ रहमत भी साथ है, रहमत कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि बारी ताला का फरमान है, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। अशरा रहमत हमसे बिछड़ा है, रहमत बारी ताला की हमारे साथ है। अब रहमत के साथ साथ मगफिरत भी है, मगफिरत के लिए हमने तौबा इस्तिगफार अपने खालिक को मालिक से अपने गुनाहों की हमने मुआफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है, अपने रब को मनाना है। अशरे मगफिरत में सभी को मगफिरत का जाम पिलाया जाएगा अगर कोई पीना चाहता है। खालिक अर्ज़ो समा की बारगाह में हमने अपने गुनाहों से तौबा करनी है। दुनियादारों के दर पे बैठ जाएं तो बिलाखिर वो भी अता कर देते हैं। हमने तो अपने खालिक से मांगना है, अपने मालिक से मांगना है, उनसे बड़ा अता करने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन हमें चाहिए रमज़ानुल मुबारक की इन सातों को गनीमत समझते हुए अपने खालिक को मालिक की खूब इबादत भी करें, दुरूद व सलाम भी पढ़ें। दिन का रोज़ा हो, रात का क़याम हो, खालिक का जिक्र हो, इसी में इंसान की निजात भी है और यही माह रमज़ान का पैगाम भी है। अशरे मगफिरत जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, इस हवाले से भी और तसव्वुफ़ की जो बातें हैं, जो प्यार की बातें हैं, जो फ़कीरों की बातें हैं, जो अल्लाह की इबादत और मखलूक की खिदमत की बातें हैं, जो सूफ़ी होता है, दुरवेश होता है, उसकी ज़ात में दो सिफात होती हैं। सबसे अहम वैसे तो उसकी ज़ात ऐसी होती है कि जिसका फैज़ान जारी रहता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और मखलूक खुदा की खिदमत करता है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं, रोज़ाना सहर की ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं, हुस्न होते हैं, मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अलामा साहिबजादा हफीज़ुल्लाह सुरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद अलामा साहब। बहुत शुक्रिया। उनके साथ नाज़रीन मौजूद हैं आज सहर की ट्रांसमिशन में हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान, एक ऐसा नाम कि जब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के नाम से दुनिया वाकिफ़ है, वासिफ़ के नाम से दुनिया वाकिफ़ है, दुनिया आशना है, जहाँ जहाँ इल्म अदब और फ़क्र और सूफीज़म को पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, उन तमाम सफ़ों के अंदर एक ऐसा जगमगता नाम, ऐसा रोशन नाम है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। हर दौर में और हर जो शख्स है, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के अकवाल से रोशनी भी हासिल करता है, उनको पढ़ता भी है। उसी अजीम घराने के वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के चश्मो चराग फरजंद जनाब हज़रत साहिबजादा काशिफ़ महमूद साहब, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं नाज़रीन पाकिस्तान के मारूफ सना खान रसूल, दुनिया भर में आका अलैहिस्सलाम के इश्क का प्रचार करने वाले और मोहब्बत के साथ आका के ज़िक्र से मन के अंधेरे को दूर करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल जनाब अलहाज सगीर नक्शबंदी साहब, अस्सलामु अलैकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जनाब।
उनके साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से हमारे मेहमान कारी कुरान, जिन्होंने आयात बयानात से आज की सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। ज़ीनतुल कुरा जनाब कारी इनामुल हक आबान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आयात बयानात से आपने हम सब के कल्ब व रूह को शाद किया, अनवार व तजलियात की बारिश बरसती है जब आयात बयानात की तिलावत होती है। अलावा साहब क़िबला आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। अशराए मगफिरत में हम दाखिल हो चुके हैं, मगफिरत रब कायनात की हम सब के लिए है और मगफिरत का परवाना सभी को मिल सकता है अगर कोई मगफिरत मांगे। आप अशरा मगफिरत के हवाले से इब्तदाई कलिमात आप इसका आगाज़ कीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। बहुत शुक्रिया वकास भाई, यकीनन अशरा मगफिरत में हम दाखिल हो चुके हैं और जिस तरह बड़ी आपने खूबसूरत बात बताई कि अशरा रहमत जो मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान मुबारक को तीन हिस्सों में तकसीम किया है कि पहले अशरे का नाम अव्वलहु रहमतुन, के पहला अशरा जो है ये हुजूर ने फरमाया ये रहमत है, औसतुहु मगफिरतुन और दूसरा अशरा जो है वो मगफिरत है, आखिरहु इत्को मिनन्नार और आखिरी जो अशरा है मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम से आज़ादी का है। बड़ी खूबसूरत हर एक अशरे में खूबसूरत बातें हैं, चूँकि वो चीज़ ही खूबसूरत होती है जिसको मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, खूबसूरत भी है और वो हिकमत से खाली भी नहीं है। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अशरा रहमत का इख्तिताम हुआ है, रहमत का नहीं है। रहमत तो वो है कि जब शैतान ने कहा ना कि मौला मैं टाइम मांगा कि फबी इज्जत का लाउलुजन्नहुम अजमाइन, कसम खा के उसने कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तो खाल के कायनात ने फरमाया तू जहाँ चलेगा और मेरे बंदों को गुमराह करेगा वहाँ मेरी रहमत भी होगी, मैं बंदों को माफ़ कर दूंगा, तू बंदों को गुनाह की तरफ मायल करेगा मैं बंदों पर रहमत बरसा के उन्हें माफ़ कर दूंगा। अब ताकतवर शैतान नहीं है, ताकतवर तो रहमान है, कि इसीलिए तो रहमान ने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, फरमाया रब ने कि अगर आसमानों के दरमियान सारे ही गुनाह क्यों ना हो बंदे के, रब फरमाता है मुझसे ज्यादा तो नहीं है, मैं वो भी माफ कर देता हूँ। अगर जमीन पर पूरी ये जमीन पर उसके गुनाह फैल जाएं तो रब फरमाता है वो मुझसे सिर्फ एक दफा मांगे तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। तो जितना मर्जी इंसान गुनाहगार हो जब वो हकीकत में अल्लाह के हुजूर में वो तौबा तायब होता है, और कुरान पाक की आयत है वो मैं या अमल सू अन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्म यस्तग़फिरुल्लाह यजिदुल्लाह गफूरुर रहीम, यानी खालिक कायनात ने फरमाया कि महबूब वो लोग जो बुराई करते हैं या अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं औ यज़लिम नफ्सहु सुम्म यस्तग़फिरुल्लाह, फिर वो अल्लाह से इस्तग़फार करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है बुराई भी करते हैं अपनी जानों पे जुल्म भी करते हैं और फिर वो मुझसे इस्तग़फार करते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ। तो हकीकत है कि अशर रहमत में अल्लाह ताला ने रहमत तो ये क़यामत तक चलती रहेगी, रहमत तो चल रही है, लेकिन अशर रहमत जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो पूरा अशरा रहमतों से भरा हुआ है, इसमें कोई किस अंदाज में भी आए अल्लाह के हुजूर में अल्लाह उसी पर रहमतों की बरसात बरसा देता है। तो इसलिए ये मगफिरत का अशरा है, तो जिन पर अल्लाह ने रहमतें बरसा दी हैं यकीनन पहले रहमत होती है फिर मगफिरत होती है, रहमत के सदके मगफिरत हो जाती है और जिसकी मगफिरत हो जाए फिर वो जहन्नम में नहीं रहता, फिर वो सीधा जन्नत में जाता, आज़ादी का परवान मिल जाता है। जी साहब आप आज के उनवान के हवाले से और तौबा इस्तिगफार के हवाले से तज़किए नफ्स के हवाले से आप बात का आगाज़ कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौबा का ख्याल ही खुशबख्ती की अलामत है, तो वक्त ख्याल ही खुशबख्ती की अलामत है। माशाल्लाह ये भी एक रहमत की कड़ी है कि आपको तौबा का ख्याल मिल जाए। वाह 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 वाह। और जो शख्स तौबा की तरफ चल पड़ा है जी। वो समझ लें वो रहमत के दायरे में चलना शुरू हो गया है। अल्लाह वाह। अभी उसकी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी लेकिन वो उस ख्याल में चल पड़ा है कि मुझे
यहाँ ख्याल का आना इतनी बड़ी बात है कि कम अज कम ख्याल तो आया, कम अज कम ख्याल तो आया, ख्याल से आरी हो चुका है और एहसास से भी आरी हो चुका है। उस शख्स को ख्याल तो आया अपने मालिक का। वासा फरमाते हैं कि जिसको एहसास ना जगाए उसे कौन जगा सकता है। वाह, तो ये जिसमें एहसास जाग जाए ना कि अब वक्त है कि तौबा कर ली जाए, अल्लाह ये या तो कोई ऐसा जिंदगी में उसके साथ वाकया होता है या एक अजली ख्याल उसको मिल जाता है या कुछ जिंदगी में ऐसा गुरु मिल जाता है कि जो उसका रास्ता बदल देता है। वो एक सरकार ने कहानी सुनाई हमारे कि एक शख्स था जो बड़ा रंगीन मिजाज सा हुआ करता था। तो कुछ अरसे बाद लोगों ने देखा कि वो बहुत नेक और परहेजगार और नमाजी और मस्जिद में नजर आना शुरू हो गया। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारे शब रोज बदल गए। तो उसने कहा जी मेरा गुरु मिल गया। उसने कहा भाई हमें भी अपने गुरु से तारुफ करवाओ। तो उसने कहा जी मेरे घर बेटी आ गई है। वाह वाह वाह। तो ये भी एक ख्याल का बदल जाना होता है कि जब आपका ख्याल बदल जाए तो फिर आपको नेक ख्याल ये मिलता है कि तौबा की आपको तौफीक मिलना शुरू हो जाती है। ये तौबा एक कनेक्शन है अपने रब के साथ। जैसे आप निदाइया अंदाज में दुआ अपने अल्लाह से करते हैं, अपने अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अब दुआ के भी बड़ी फॉर्मेट्स कह लें कि दुआ के भी बड़े अंदाज है, तरीक़ाकार भी कि दुआ हाथ उठाना भी दुआ है, मुल्तजी निगाह का उठना भी दुआ है, वाह 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 वाह, और रात के अंधेरे में टपके हुए आंसू भी जो है वो दुआ है, वाह वाह, ये भी एक सूरत है, और माँ के दिल से निकली हुई एहसास का नाम भी दुआ है जी। वाह। अब ये जब वो दुआ करता है तो वो अपने रब के साथ एक कनेक्शन में आता है जी कि मैं दुआ मांग रहा हूँ इस यकीन के साथ कि वो सुनने वाला मौजूद है। और सरकार फरमाते हैं कि जहाँ दुआ करने वाला है वहीं दुआ सुनने वाला मौजूद है। बहुत बड़ी बात। तो ये तौबा भी उसी तरह का एक सिलसिला है कि जो आप अपने रब के साथ एक कनेक्शन में जाते हैं कि मैं या अल्लाह तौबा करता हूँ अपने उन मामलात से जो मैं नहीं करना चाहता था और मुझसे सरजर्द हो गए। तो हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि देखो तौबा की कबूलियत की भी एक निशानी होती है कि तौबा उस वक्त कबूल हो जाती है जब आपको याद गुनाह भी खत्म हो जाती है। अल्लाह कि तौबा का ऐसा मकाम भी आता है कि जहाँ पर वो गुनाह जो कभी सरजर्द हुए थे वो भी क्योंकि अल्लाह ने बहुत खूबसूरत कमाल बात फरमाई है जी। कहते हैं अल्लाह मियां के मैं आपके जमी गुनाह माफ कर देता हूँ, बल्कि मैं आपके जितने गुनाह हैं उनको नेकी में कन्वर्ट कर देता हूँ, नेकी में बदल देता हूँ। तो ये तौबा और माफ़ी तो उस दर्जे पे ले जाती है कि जहाँ पर आपके जो गुनाह थे वो भी नेकियों में बदल गए। तो सरकार हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते थे देखो कि 60 साल के कुफर को हाल का एक कलमा धो सकता है कि जिसने 60 साल कुफर किया हो और वो एक हाल में अपना कलमा पढ़ ले तो उसका कुफर धुल जाता है, कुफर टूट जाता है, कुफर धुल जाता है सारे। तो ये अब मालिक की मेहरबानी है कि वो इंसान को ये हदायत किसी भी हवाले से पहुंचाए उसको, बेशक बेशक, और वो तौबा की तरफ आए तो वो तो बैठा हुआ है इसी इंतजार में कि आओ दोस्ती कर लो, आओ मैं माफ करता हूँ, दरवाजा खुला है। ऐसा फरमाते हैं कि देखो आप अपने किन गुनाहों को लेके बैठे हुए, उसकी रहमत को लेके क्यों नहीं बैठते, उस पर यकीन क्यों नहीं है, वा, वा, वा। क्या गुनाह ऐसा कर दिया? आपने फरमाया सिर्फ एक गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह बहुत सेंसिटिव है और वो हुजूर पाक की शान है, उसके खिलाफ अल्लाह मियां नहीं सुनता। बल्कि आपने फरमाया कि देखो इस मामले में आप और अल्लाह मियां दोनों सेंसिटिव हो कि आप और अल्लाह मियां इस बारे में कोई दूसरी बात नहीं सुन सकते। तो ये मालिक की मेहरबानी है कि हमें उस लड़ी में रखा हुआ है, हमें हजूर की उम्मत में रखा हुआ है, और ये बड़ी मेहरबानी है हम पर पहले ही ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से कि हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया। तो हमारे लिए अल्लाह ने वैसे भी बड़ी सातें रखी हुई है, हमें जितना शुक्र का मौका मिले उतना कम है। खूबसूरत किन किन बातों का शुक्र मोहतरम साहबजादा काशिफ महमूद साहब, और एक अपने अंदाज में आप बयान कर रहे थे अल्लाह वालों की जब नज़र हो जाती है किसी फ़कीर की किसी बाबे की तो यकीनन ज़िंदगी बदल जाती है और एक कनेक्शन एक रबता अपने रब से
रब की बारगाह में जो साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने बयान किया, बहुत से मज़ीद पहलू जिनकी तरफ इंशाल्लाह आज तवज्जो दिलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनको साथ साथ लेकर आगे चलें। हमदिया कलाम हमारे मोहतरम सगीर नक्शबंदी साहब, बहुत से आपने पढ़े माशाल्लाह हमदिया कलाम, और जो आपके हिस्से में आए हम चाहेंगे जो कैशवा मगफिरत का आगाज़ है तो उन्हीं कलामों में से किसी एक का इंतखाब करते हुए आप बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह हो गनी अल्लाह अल्लाह हो गनी 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 बस तेरे करम अल्लाह तेरे करम मौला तेरे करम से बात बनी मेरी तेरे करम से बात बनी अल्लाह हो गनी तू ही मालिक या रब हमारा है बस तेरे करम का सहारा है बस तेरे करम का सहारा है मोहताज हूँ मैं मोहताज हूँ मैं कर मुझको गनी मोहताज हूँ मैं कर मुझको गनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी मेरे जिस्म में जब तक जान रहे मेरे लब पे सदा तेरा नाम रहे मेरे लब पे सदा तेरा नाम रहे रहे चादर तेरे करम की तनी रहे चादर तेरे करम की तनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी तेरा जिक्र करूं हर पल हर दम तेरा जिक्र करूं अल्लाह 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 तेरा जिक्र करूं हर पल हर दम सब दूर हो मेरे रंजों सब दूर हो मेरे क्योंकि तेरी रहमत की है छाओ गनी तेरी रहमत की है छाओ गनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी मैं अपने गुनाहों पे नादिम हूँ मौला मैं तेरे नबी का खादिम हूँ मैं तेरे नबी का खादिम हूँ आका है मेरे आका है मेरे मक्की मदनी आका है मेरे आका है मेरे आका है मेरे मक्की मदनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी मेरे अल्लाह मुझसे राजी हो तेरे दर पे
احمد شرازی ہو تیرے در پہ ہر ایک سوالی ہو اسے دینا صدقہ پنج تنی اللہ غنی اللہ غنی اللہم آمین یا رب العالمین. صغیر نقشبندی صاحب حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, اور یہ بھی جس طرح ابھی جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب بیان کر رہے تھے, یہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ ہے رب کی بارگاہ میں, یہ بھی ایک التجا ہے اپنے انداز میں جو انہوں نے پیش کی ہے, اور ہم سب اس میں شامل ہوئے ہیں. حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب, ابھی ابتدائی گفتگو جس کا آپ نے آغاز کیا صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے بھی, کچھ چیزیں تو یہ ہیں کہ جس طرح دنیاوی طور پر انسان کو کسی چیز کا پہلے سے پتہ چل جائے تو بندے کو پتہ ہو کہ میں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, تو کچھ بندہ ریلیکس رہتا ہے, تھوڑا سا ٹینشن اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر ہر چیز کا اندازہ بھی ہے کہ روز محشر کیا ہونے والا ہے, کیا کیا جائے گا, ایک تو اس چیز کا اندازہ ہے, لیکن بندہ پھر بھی گناہوں کی طرف مائل بھی ہے, لیکن رب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس کو اپنے بندے کا آنا, بار بار آنا بہت پسند آتا ہے. پھر اپنے جو ہم لوگ ہیں, ہمیں شفاعت پر بھی ایمان ہے, آقا کریم کی ذات پر بھی ایمان ہے, بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, لیکن ہم پھر بھی بہت پیچھے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں پرچے آؤٹ کر دیے. بالکل ٹھیک ہے, وہی بات, سوالیہ پرچہ بھی آؤٹ کیا ہے کہ سوال کیا ہے, اور آنسر کا پرچہ بھی آؤٹ کیا ہے کہ آگے اس کے جواب کیا. دیکھیں, ہر چیز ازل سے لے کے اور محشر کے میدان تک بالکل کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آؤٹ نہیں کی. ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیا ہے, یہ رستہ ایسے ہے, یہ رستہ ایسے, آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یعنی ایک ایک. اور ہمارے لیے سب سے بڑے رہنما حضور کے صحابہ کرام تھے, سبحان اللہ, جو کسی بھی سوال کو گرا کھلوانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں اس سوال کو پٹ اپ کرتے تھے. واہ. کہ یا رسول اللہ, یہ سوال ہمارے لیے ہے یا یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے؟ بالکل. تو ان کی سب سے, میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان ہمارے نبی کا تو احسان ہے, وہ تو محسن کائنات ہیں, سبحان اللہ, لیکن صحابہ کرام کا بھی ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انہوں نے دہرائی نہ ہو, اور سرکار نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کو بیان نہ فرمایا. ٹھیک. تو اس لیے کوئی بھی چیز ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کوشچن پیپر کو لے کے کیسے اس کو حل کرتے ہیں, یہ ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے اوپر, ہماری کتنی تیاری ہے. ہم دنیا میں ایک سحری بنانی ہو تو ہم ساری راہ لگے رہتے ہیں تیاری کرتے ہیں. ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں تو کم از کم سرکار آئیں تو قبر میں جا کے تھوڑا سا سرخرو تو ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ. دیکھو نا, اب قبر کا جو کوشچن پیپر ہے وہ بھی سرکار نے آؤٹ کر دیا. واہ. کہ سرکار نے فرمایا یہ سوال ہیں, یہ سوال ہیں, اب سارا عقیدہ پوچھا جائے گا. اور جس شخص کا, میں اکثر کہتا ہوں, جس شخص کا عقیدہ درست ہے اس کے اعمال آٹومیٹیکلی درست ہیں. سبحان اللہ. اعمال اس کے ٹھیک نہیں ہوتے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ اپنے عقائد میں تھوڑا تھوڑا لچک اور فلیکسیبلٹی اور اس میں متذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے عقیدہ جو ہے نا, یہ بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدہ جو ہے اس کو پختہ کریں. عقائد میں رہ کر پھر ہم نے اپنے اعمال کی طرف جانا ہے. تو اس لیے اشرہ مغفرت رمضان شریف کا دیکھیں نا, سرکار نے کتنا فرمایا خوبصورت کہ یہ پہلی رمضان سے لے کر آخر رمضان تک, یعنی کوئی رات اور دن ایسا نہیں جس کی کوئی ساتھ جو ہے وہ رحمت سے خالی ہے. ایسے ہی حقیقت ہے, سبحان, وہ خالی رحمت سے ہے ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایون کہ ہم سوئے ہوتے ہیں, ہم نماز تراویح پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں کہ ہم نے سحری کرنی ہے, ہمارا سونا بھی اللہ نے عبادت میں لکھا. واہ واہ, وہ بھی ہم سوئے ہوتے ہیں. یہ کیسی عبادت ہے کہ ہم سوئے ہوتے ہیں, میوے خواب ہوتے ہیں, لیکن ہماری وہ عبادت کنسیڈر ہو رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان پھر ایک رات جو ہے, جی, اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ.
कितने कितने, और एक रवायत में 60,000 भी आया कि हर रात जो है रमज़ान शरीफ की 60,000 अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमी को आज़ाद फरमाता है। और फिर उस रवायत में आता है कि जब शवाल का चांद नज़र आता है तो उस रात जितने पूरे महीने में अल्लाह ने जहन्नम से आज़ादी दी होती है ना, उसको अगर जमा पूरे महीने को कर लें तो उस रात फिर अल्लाह आज़ाद फरमा देता है। वजह क्या है? वजह यह है कि खालिक कायनात ने फरमाया वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वअंता फीहिम, महबूब जब तक तू इस इनमें है उस वक्त तक मैं किसी अजाब में इनको मुबतला नहीं कर सकता, मैं इन पर अजाब ला नहीं सकता। अब अगर हम अपनी मर्जी से और अपने तकब्बुर और गुरूर की वजह से अगर हम अजाब की तरफ जाना चाहें तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, वरना हमारी गफलत है, हमारी गफलत है, वरना मालिक ने तो दरवाजे खोल दिए। देखो ना, आठ दरवाजे हैं जन्नत के, आठ दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजा ही रब ने बाबे रियान जो है एक दरवाजा ही रोजेदारों के लिए रखा है, खास है, और वहाँ उस दरवाजे से कोई और जन्नत में दाखिल नहीं होगा, सिर्फ रोजादार दाखिल होगा। खूबसूरत जी, आपका इशारा समझा। नहीं, नहीं, आप बात करें, करें। तो इसलिए अभी तो दरवाजे में दाखिल हुए हैं, अभी आगे तो चल, इसलिए वो एक स्पेशल दरवाजा है, उस दरवाजे से पुकारा जाएगा कि आज जो रोजेदार हैं, जो रोजे का एहतराम करते हैं और जिन्होंने अशर रहमत को हासिल किया है, अशर मगफिरत को हासिल किया है, उनकी अल्लाह ने जहन्नम से आज़ादी। और मैं तो एक किताब में पढ़ रहा था कि ये जहन्नम से जो आज़ादी है ना, हम तो अभी दुनिया में फिर रहे हैं जी, हमारी तो अगर रहमत हमें मिल गई तो हमारी वैसी मगफिरत हो जाएगी। अल्लाह जो जहन्नम में है, अल्लाह उनको भी आज़ाद फरमा देता है। वाह, देखे ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे हज़रत सलमान फारसी की वो रवायत है बड़ी तफसील के साथ, फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नम का अजाब बंद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो ये कितना रहमत है इस मुकद्दस महीने के अंदर खालिक कायनात ने, अगर फिर भी हम ना बख्शे जाएं रमज़ान शरीफ को पा के, और ये गिनती का या मुमादुदात ये गिनती के दिन है, तो फिर हम इस इंतज़ार में बैठे हैं, चलें आज नहीं तो कल रख लेंगे, कल नहीं तो परसों। रहमत अगर है तो सबके लिए है, रहमत सबके लिए, रहमत सबके लिए है। रहमत तो देखो, ये रहमत कोई आम रहमत तो नहीं है ना, ये रहमत तो सदका मुस्तफ़ा है, तो जो सदका मुस्तफ़ा अल्लाह ने रहमत अता की है ना, वो सबके लिए, वो अल्लाह की रहमत है। जी साहब, इसे फरमा रहे थे, रोज़ा है, इबादत है, सब्र है, तोबा है, इस्तिगफार है, सब चीज़ें शामिल हैं और रहमत के साथ मगफिरत भी है। फरमाइए जनाब। वासिफ अली वासिफ की नात का दो शेर हैं, पेश करता हूँ आपको। संगे दरे हबीब है और सर गरीब का, किस औज पर है आज सितारा नसीब का, वाह वाह वाह, फिर किस लिए है मेरे गुनाहों का एहतसाब, जब वास्ता दिया है तुम्हारे हबीब का। सुभान अल्लाह। तो हम तो यही समझते हैं कि मगफरत बस यही है कि हमें ये सादत मिलती रहे कि हम आका की खिदमत में दुरूद शरीफ का नजराना भेजते रहे। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दुरूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना अल्फाज भी हैं, आपकी हवाले से ज़िंदगी में कोई एक अच्छी बात, आपकी कही भी बात को ले आना भी दुरूद है, आपकी नापसंदीदा कोई बात ज़िंदगी से निकाल देना भी दुरूद है, और याद का नाम तो है ही दुरूद। सही। तो आपने फरमाया कि देखो, ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग कैसे जहन्नम में जा सकते हैं जबकि अल्लाह खुद दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये एक सादत की बात है कि ये मगफरत में एक दुरूद शरीफ का बड़ा मकाम है कि अगर आपके पास ये सादत है कि आप दुरूद शरीफ भेजने वालों में से हैं, तो ये भी मगफरत का एक अंदाज है अल्लाह का। बहुत बड़ी सादत है। फरमाएगा कि मन की दुनिया कैसे बदले, कि माहिर रमज़ान भी आता है, ये सातें भी आते हैं, और दिल बदले और खालिक से ताल्लुक़ कायम हो और मन की दुनिया में मोहब्बत इलाही आ जाए। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, नमी दानम कुजा रफ्तम बहरसू रक से बिस्मिल, नमी दानम जो मंजिल बोल
چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رکھ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخ سارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم یہ جو دل کی دنیا ہے نا جی یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آباد ہو سکتی ہے یہ اندر کی دنیا کی کھوج اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب آپ کے اوپر ایسی نظر ہو ایسی مہربانی ہو کہ آپ درود بھیجنے والوں میں سے ہوں بس کم از کم یہ پہلی ایک تو ایک بات ہے جی ٹھیک ہے اب یہ جو فقرا حضرات جو کام کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو فوکس کرتے ہیں وہ انسان کے خیال کے اوپر کرتے ہیں ٹھیک کہ یہ خیال ہے اسی نے عمل بننا ہے اور عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا جہاں سے عمل شروع ہونا ہے اس خیال کی جو ہے وہ اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ عمل ٹھیک ہو ٹھیک ہے خیال بدلنے کے لیے بزرگوں نے کہا کہ چلیں آپ ایسا کریں کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں جن کی عاقبت کے بارے میں آپ کچھ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی لوگ ہیں کم از کم ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں اب وہ نیک لوگوں کی صحبت میں جو ہے نا آپ بیٹھنا شروع کریں گے تو آپ کے خیال کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی ذکر اللہ کا ہونا شروع ہو جائے زندگی میں تو خیال بدلنا شروع ہو جاتا ہے اپنے سے نکل کر دوسرے میں چلے جانے سے خیال بدلنا شروع ہو جاتا ہے مطلب کہ آپ کے پاس کچھ ہے اگر آپ نیک آدمی ہیں اور بہت عبادت گزار ہیں اور بہت کنجوس ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے پوچھے گا کہ یہ پیسے کیوں نہیں نکالے تم نے میری راہ میں خیال اب اللہ والا کوئی ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروا دے گا اس کا راستہ کھول دے گا خیال بدل جانے سے نظارہ بدل جاتا ہے دنیا بدل جاتی ہے جی ویسا فرماتے ہیں کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے یہ خیال کی دنیا اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ جہاں پر ہم پیشنٹ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جو آپ جس اینگل سے اس پرابلم کو لے رہے ہیں یہ بات اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے بالکل ٹھیک نظر کا انداز بدل جائے تو وہ ان کے لیے بھی ساری بات کچھ کنڈیشنز چینج ہو جائیں تو چینج ہو جاتی بالکل ٹھیک اور وہ حالت دل ان کی بہتر ہو جاتی واہ واہ اب وہ یہی بات صوفیہ حضرات کے پاس بھی ہے کہ وہ خیال ایک کہانی چھوٹی سی مجھے بزرگوں کی یاد آ گئی فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا بازار میں سے گزرا ہے تو ایک عورت پہ نظر پڑی اور دل میں خیال آیا کہ اس کو مہارانی ہونا چاہیے اور دوسرے لمحے یہ خیال آیا کہ میرے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ عورتیں بہنیں ہوتی ہیں مائیں ہوتی ہیں ادب کی نگاہ سے اپنی غلطی پہ پچھتایا فوراً اپنے گرو کے پاس آیا اور کہا کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں کیا کروں گرو نے کہا کہ بتاؤ کہ سزا یہاں لینی ہے یا اگلے جہاں جا کے لینی ہے اس نے کہا کہ اگلے جہان پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا مجھے یہیں اب رفع دفع کروا دیں تو بزرگوں نے کہا کہ ایک الاؤ جلاؤ آگ بڑی جلائی گئی اور بادشاہ سے کہا گیا کہ تم اس میں جا کے کود جاؤ اب وہ بادشاہ جیسے ہی آگ کے قریب پہنچا تو وہ گرو نے روک لیا اور کہا تمہارے خیال کی غلطی تھی تمہارے خیال کو سزا مل گئی ہے واپس آ جاؤ واہ واہ اللہ تو خیال جو ہے یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ خیال جس کو ملنا شروع ہو جائے وہی صاحب خیال بنتا ہے وہی صاحب خیال بنتا ہے ناظرین اسی پہ بات آپ سے آگے بڑھائیں گے ایک کلام شامل کر لیتے ہیں سرگیر بھائی ہمارے ساتھ جی بسم اللہ کی محمد اللهم صل على سيدنا محمد لاکھوں درود نبیوں کے سردار کی طرح لاکھوں درود نبیوں کے سردار کی طرح لاکھوں درود نبیوں کے سردار کی طرح سردار کی طرح
भेजे खुदा ने सैयद अबरार की तरह, भेजे खुदा ने सैयद अबरार की तरह। बेशक हुजूर आप है शाहकार बेमिसाल, शाहकार बेमिसाल, बेशक हुजूर आप है शाहकार बेमिसाल, शाहकार बेमिसाल। रब देखता है, रब देखता है, रब देखता है अपने ही शाहकार की तरह, रब देखता है अपने ही शाहकार की तरह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, सब पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मुहम्मद। तैयार हूँ मैं बिकने को लेकिन ये अर्ज है, लेकिन ये अर्ज है। तैयार हूँ मैं बिकने को लेकिन ये अर्ज है, लेकिन ये अर्ज है। तैबा के ले चलो मुझे बाजार की तरह, तैबा के ले चलो मुझे बाजार की तरह, लाखों दुरूद नबियों सरदार की तरह, लाखों दुरूद नबियों सरदार की तरह। अहमद है मुंतजिर यही अरमान दिल में है, यही अरमान दिल में है। नजरे करम करे मेरे घर बार की तरह, नजरे करम करे मेरे घर बार की तरह। बिलखुसूस अबू बकर भाई की वालदा के लिए दुआ है, अल्लाह उनको सेहत कामिल अता फरमाए। अहमद है मुंतजिर यही अरमान दिल में है, यही अरमान दिल में है। नजरे करम करे मेरे घर बार की तरह, नजरे करम करे मेरे घर बार की तरह। नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। एक मरतबा फिर कोहिनूर न्यूज़ पर सहर की ये ट्रांसमिशन एहतराम रमज़ान आप लोग देख रहे हैं, और हज़रत अलामा हफीज़ुल्लाह सुरवदी साहब, साहबजादा काशिफ़ महमूद साहब और सग़ीर अहमद नक्शबंदी साहब हमारे आज के मेहमान हैं। और अशराए मग़फ़िरत पर जो हमारी गुफ्तगू जारी है, आज का दिन जुमातुल मुबारक की भी घड़ियाँ हैं आप सब जानते हैं, और आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जुमे का दिन मुसलमान के लिए ईद का दिन होता है। तो यकीनन आज के दिन को भी गनीमत जानते हुए रमज़ान मुबारक का ये दूसरा जुमा है, आका करीम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद का नजराना पढ़िए, जितना हो सके हुजूर की बारगाह में कसरत से दुरूद पढ़िए, ताकि अंदर की जो रूहानियत है वो आप लोगों को रूहानियत महसूस हो सके और उस मनसब पर फायज़ हो सकें जो रूहानियत का एक आला दर्जा है। तो अपनी जानिब से जिस तरह अभी गुफ्तगू हो रही थी, बहुत से ख़ास नुक्ते जिनकी जानिब तवज्जो दिलवाई, साहबजादा काशिफ़ महमूद साहब ने भी, अलामा फ़ैज़ुल्लाह सुरवर्दी साहब ने भी। फ़ैज़ुल्लाह जी जी बिस्मिल्लाह आप बढ़ाएँ आगे। ख्याल की आप बात कर रहे थे, बात को कम्प्लीट आप करें जी। ख्याल इसलिए आकल इस्लाम का फरमान भी है, नियतुल मोमिन खैरु मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसकी अमल से बेहतर है, बेशक ऐसी है। यहाँ पर एक एरिया है जी, ये रहीम यार खान से आगे
जहाँ पर ना साइबेरिया से परिंदे आते हैं जी हर साल, तो कहते हैं कि वो साइबेरिया में बर्फ़ में अंडे देकर आते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं परिंदे तो वो अंडे हैच हो गए होते हैं, उनमें से बच्चे निकल रहे होते हैं। अब देखें कि ये कौन सी ख्याल की ताकत है कि परिंदा यहाँ पर आया हुआ हज़ारों मील सफ़र करके और वो अपने ख्याल की ताकत से उन अपने अंडों को हैच करता है। एक हैचिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक ख़ास हीट मिलनी चाहिए, इतनी ताकत होती है ख्याल में जी। ये एक बर्ड है जिस तरह से वो वेल डॉल्फिन जो होती है उसके सुनार होते हैं अपनी तरह के, इस तरह से जो इंसानी जहन है इसके अंदर भी बड़ी इस्तेआत है। लेकिन जिस तरह से है कि ये खोजने की बात है, ये ढूंढने की बात है, जिसको एहसास जागेगा वो ख्याल की दुनिया का सफ़र करेगा। क्या बात है? और वो ख्याल की दुनिया को जब खोजेगा तो फिर उसमें देखेगा कि ये अमल कितना साले है और ये कितना, ये भी फिर आगे मेहरबानी की बात। वरना ख्याल की दुनिया में कई लोग तो ऐसे भी देखे गए कि जो चलते 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 तो बस गर्क ही हो गए, अल्लाह को ढूंढते कहीं और निकल गए। ये जब तक साथ कोई एक निगाह ना हो या एक हमसफ़र ना हो आपका उस तरह का, ख्याल की परवरिश बहुत ज़रूरी है जी। अगर आपको अल्लाह ने नेक ख्याल दे दिया है तो हमारा अगर जिस तरह का माशरा है तो उस तरह के ख्याल के लोगों में बैठने की ज़रूरत होती है ताकि ख्याल की का बड़ा असर नरिशमेंट हो जी वहाँ पर। अब जितना आप इस ख्याल से दूर होंगे वो आपके लिए उतना ही बुरा होगा। सरकार फरमाते थे कि तुमने अगर ये पता करना हो कि अल्लाह तुमसे कितना राज़ी है तो ये देख लो कि तुम अल्लाह पर कितने राज़ी हो। वाह वाह अल्लाह, जितने तुम अल्लाह पर राज़ी हो अल्लाह तुम पर भी उतना राज़ी है। ख्याल है ये एक कि आपने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का कितना हिस्सा रखा हुआ है, आप अपनी ज़िंदगी के मामलात कितने अल्लाह के हवाले से करते हैं। एक मुरीद से पूछा किसी ने कि तुम्हारे पीर का क्या नाम है, तो उसने कहा जी मेरा पीर अल्लाह है। तो वो उनके पीर साहब के पास गया मुरीद और दूसरे उसने कहा कि जी वो तो आपको खुदा ना खास्ता अल्लाह कहता है। वो कहता है वो गलत नहीं कह रहा, वो अल्लाह को ढूंढने आया हुआ है और उसका सारा सफ़र इल्लल्लाह ही होगा। वो जिस रास्ते से गुजरेगा गुजरेगा इंसानों के रास्ते से, लेकिन सफ़र उसकी जो होगा वो अल्लाह का सफ़र होगा, क्योंकि उसके ख्याल में अल्लाह होगा, वो अल्लाह के हवाले से चीज़ों को देखेगा और अपनी इर्द गिर्द की कायनात को उस तरह का मुशाहिदा करेगा जो आम इंसान नहीं करता। और ये वो लोग होते हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं से कुछ देख के आए होते हैं। एक छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूँ मैं जी। एक कहानी है, उसका नाम है पिरोडिकल सन्स, बाइबल की कहानी है जी, कि वो एक बादशाह की इसी तरह दो बेटे थे। बड़ा बेटा जो था उसको बड़ा शौक़ था कि मैं दुनिया देखूं। उसने कहा वाले साहब जितने मेरे हिस्से के बनते हैं मुझे दे दें पैसे, मैं तो ज़रा दुनिया देख के आऊँ, ये छोटा बेटा बड़ा ताबेदार है, आप इसको बादशाह बना दीजिएगा। वो बड़ा बेटा निकल गया जी, और कहते हैं कि जब खर्च करने पे आए तो कुएं के कुएं ख़त्म हो जाते हैं। तो वो आखिर में कहते हैं कि इस हद तक हो गया कि किसी यहूदी के वो कोई फार्म पे कहीं काम कर रहा था। तो उसने सोचा कि मेरे बाप के पास जो पल रहे कुत्ते हैं वो भी मुझसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्यों ना वालिद के पास वापस जाया जाए। वो जब वापस आया तो और बादशाह को पता चला, तो उसने अभी वो दाखिल नहीं हुआ तो शहर में उसने चरागा किया और उसके आने की खुशी में जानवर ज़बह हो रहे हैं और उसने फारिग कर दिया, ठीक है जाओ। लेकिन जब वो वापस आया तो उसका बकायदा इस्तकबाल किया। वो इस्तकबाल को देख के छोटा बेटा कुछ नाला हुआ, उसने कहा ये पैसे भी ले गया सारे, अपना हिस्सा भी ले गया, और ये फिर जब आ ही गया तो आप इसका दोबारा इसका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो आपने कहा ये तुम तो सादा से बेटे, नेकी का रास्ता तुम्हें मिला, अदब आदाब मिले तो मुझसे चलते गए, ये देख कर आया है, ये वो गलत वाला एरिया सारा देख कर आया है, और जो देख कर आकर फिर अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलता है वो फिर बड़ा सीधा और सीधा उसको बड़ा शऊर मिला होता है गलत और सही का। मतलब इसी से फिर जो हमने देखा कि चोर कुतुब बनते देखे और जो दुनिया को लूटने वाले थे राहजन को रहनुमा बनते हुए देखा, जो अल्लाह के लिए
उसकी बारगाह में आके तौबा इस्तिगफार कर लेता है जो खाली का बंदा बनता है। नहीं, इसमें तो हकीकत है जी जी कि बंदा जब दुनिया के उरूज पे पहुंच जाता है, कोई उसकी ख्वाहिश दुनियावी बाकी नहीं रहती, तो जब वो वापस लौटता है तो उस जैसा नेक बंदा कोई नहीं होता, क्योंकि उसके ख्यालात बातला का इख्तिताम हो चुका होता है। कोई ऐसी स्टेज नहीं कि जहाँ से वो नहीं गुज़रा, कोई उसके अंदर अब बाकी हसरत नहीं कि ये इस चीज़ को मैंने अपनाना था और मुझे ये हासिल नहीं हो सकी। हर एक चीज़ को अपनाने के बाद जितने ख्यालात बातला थे उनको हासिल करने के बाद अब वो वापस लौटा है तो अब ख्यालात बातला का तो इख्तिताम हो जाएगा, नफ़ी हो जाएगी। अब उस जैसा, ये तो अक्सर हमारे आज के इस मौजूदा मुआशरे के अंदर भी है, अगर आप थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो ये हकीकत है कि एक बंदा शुरू से लेके अल्लाह अल्लाह में लगा रहता है, वो कभी छोड़ देता है, कभी चलता रहता है, कभी कुछ करता रहता है, लेकिन जो दुनिया के मामलात और ख्यालात बातला से वापस लौटता है तो फिर उसके पास रास्ता ही एक होता है कि वो कहता है कि मौला मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैंने तुझे देखना है, तेरे सिवा मेरे पास है कोई नहीं। इसीलिए तो ये है ना कि जब बंदा नेक अल्लाह की बारगाह में कहता है, अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह ताला उसे एक दफ़ा जवाब में कहता है कि ऐ मेरे बंदे, तो जब गुनाहगार पुकारता है तो अल्लाह दो दफ़ा कहता है मेरे बंदे। वाह वाह। तो जब पूछा गया तो खालिक़े कायनात ने फरमाया कि देखें नेक बंदा जो है उसके पास तो नेकियां भी हैं, उसे तो ये भी है कि मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, मैंने रोज़े भी रखे हैं, मैंने नेक अमाल भी किए, गुनाहगार के पास मेरे सिवा तो कोई चीज़ है ही नहीं है, तो इसलिए मैं उसे दो दफ़ा कहता हूँ कि ऐ मेरे बंदे मैं हाज़र हूँ, अगर तू मेरी बारगाह में आ गया है, तूने मुझे पुकारा तो मैं हाज़र हूँ। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं, और हकीकत यह है कि जो अल्लाह वाले होते हैं इनके रस्ते ही हमें अल्लाह के तरफ लेके जाते हैं। बेशक, बेशक। ऐसे नहीं है कि देखें हमारे जितने असलाफ गुजरे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने घरों में डेरे नहीं लगाए, बिल्कुल ऐसे फिरते रहे हैं, हासिल करने के लिए निकलते हैं, वो कभी किसी दरवेश के पास जाते हैं, कभी किसी दरवेश के पास जाते हैं, जंगलों में फिरते रहे हैं, हासिल क्या है कि वो अल्लाह अल्लाह की तलाश में निकले हुए हैं, वो घरों में नहीं बैठे हैं। तो इसलिए जब किसी न किसी बुजुर्ग के पास चले जाएंगे और वो निगाह उठेगी तो निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में, बात जो मर्दे कलंदर की बारगाह में। तो बात हकीकत है कि इसीलिए तो खालिक़े कायनात ने फरमाया ना, जब शैतान ने कहा कि फब इज्जती कल उगवी अन्ना मजमाइन, कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, तो खालिक ने फरमाया इल्ला इबादा का मिन हमुल मुखलसीन, सब को तू गुमराह नहीं कर सकता, जो मेरे खास बंदे हैं उन पे तेरा दाव नहीं चलेगा। और यही वो अल्लाह के खास बंदे हैं कि जो सारी जिंदगी इत्तेबाए रसूल में उन्होंने गुजारी है। अल्लाह इत्तेबाए रसूल के बगैर नहीं मिलता, इताते रसूल के बगैर नहीं मिलता। अगर अल्लाह मिलता होता तो काब बिन अशरफ डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को मानने के लिए बिल्कुल तैयार था, कहता मौला मैं दरे रसूल पे नहीं जाता लेकिन मैं आपको मानने के लिए तैयार हूँ। तो खालिक़े कायनात ने सूरत आले इमरान की उस आयत का शान नज़ूल फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, के महबूब ये तेरे बगैर मेरी बारगाह में आना चाहता है और मेरे साथ मोहब्बत करना चाहता है। फरमाया फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तक तू मेरे महबूब की इत्तिबा में नहीं जाएगा अल्लाह तुझसे मोहब्बत ही नहीं करेगा। और इत्तिबा में जाने से सिर्फ अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फरमाया जरा दरे रसूल पे जाओ तो सही, इत्तिबाए मुस्तफ़ा करो तो सही, मैं मोहब्बत भी करूंगा, मैं तेरे सारे गुना माफ़ भी कर दूंगा। मोहब्बत मिलेगी और गुना भी माफ़ हो जाएंगे अशरे मगफिरत में। हमें नाज़रीन अपने गुनाहों से तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार करना है, अपने खालिक से मांगना है। जो गुनाहों की दलदल में ज़िंदगी बसर हो रही है, एक वक्त तो ज़िंदगी में आना चाहिए कि जब इंसान को बदलना चाहिए, वो लम्हा एक ही होता है, जब इंसान बदलता है वो चाहे तो लम्हा आज भी आ सकता है और चाहे तो नहीं भी आ सकता। ये इंसान पे डिपेंड करता है, कब तक दुनिया की रंगीनी मादियत में हम खोए रहेंगे। खालिक की तरफ से जो बुलावा आ रहा है और माह रमज़ान की इन सातों में अशरे मगफिरत का जो पैगाम आज के दिन हमें मिल रहा है वो यही है कि रहमत तुमने हासिल कर ली है, अब मगफिरत भी हासिल करो, मेरी बारगाह में आ जाओ। कलाम सुनेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वतन अजीज़ के नामवर सना खान रसूल जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए।
अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम ना करो आका तेरी भीख पर मुझे नाज है, तेरी भीख पर ही पला हूँ मैं, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो, तेरे दर पे सर को झुका लिया, इसी वास्ते मेरी शान है कि तेरी खाके पासे जुड़ा हूँ मैं, इसी वास्ते मेरी शान है, ये ही खास है, यही आम है, आका तेरे नाम से मेरा नाम है, यही खास है, या रसूल अल्लाह गदा हूँ मैं, मुझे भीग दो, मुझे भीग दो, मेरे दर्द से है तू वाशना, मेरे दिल में क्या है तुझे खबर, मेरे दर्द से है तू वाशना, मेरे दिल में क्या है तुझे खबर, मेरे अश्क ही
इश्क है इन्हीं आंसुओं में छुपा हूँ मैं, मुझे भीग दो, मुझे भीग दो। मेरी खुल्द है तेरा आस्ता, तेरे दर पे झुकते हैं दो जहां, भर जाएगी झोली मेरी यही आस लेके खड़ा हूँ मैं, भर जाएगी झोली मेरी यही आस लेके पड़ा हूँ मैं, मुझे भीग दो, मुझे भीग दो। खूब आपने कलाम पेश किया सगीर भाई, माशाल्लाह। भीख मिल जाए तो बात बन जाती है, और उसी वही भीख लेने के लिए हम भी यहाँ पर मौजूद हैं नाजरीन, और वही भीख हमें नसीब हो गई तो हमारे मन की दुनिया बदल जाएगी, और हमारा जो मुद्दा है, जो मकसूद है, वो अल्लाह की रज़ा ठहरेगी और मगफिरत का जाम हमें पिलाया जाएगा। नाम साहब, अब मगफिरत के लिए, तौबा के लिए, इस्तिगफार के लिए, अब हमें तौबा का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, कैसे अपने खालिक से अपने गुनाहों की तौबा हमने मांगनी है और बख्शिश तलब करनी है? देखें, कोई ख़ास अंदाज नहीं मालिक से मांगने के लिए। आप किसी कोने में बैठ जाएं, नबी का वसीला बनाएं, सरकार पर दुरूद ही पढ़ें। अंदाज क्या है? जब आप सरकार पर दुरूद ही पढ़ेंगे तो आपका कोई भी अंदाज होगा वो कबूल कर लेगा। वाह, हकीकत तो इसमें ये है। हम जितने मर्जी, हम अंदाज क्या समझते हैं कि हम गुसल करें, नया लिबास पहने, बड़े फर्स्ट क्लास अमामा पहन के, और हम एक अंदाज में आके बैठें। तो मौला कायनात की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि हुजूर, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, तो क्या मुझ पर भी रहमत हो सकती है, मुझे भी माफ़ी मिल सकती है? तो मौला कायनात ने उसे फरमाया कि जाओ भाई, बाज़ार से दो प्याले लेके आओ, एक खूबसूरत हो, एक बदसूरत हो। वो दो प्याले लेके आया, मौला कायनात ने बाहर सेन में रख दिए, बारिश हुई, दोनों भर गए। जब दोनों भर गए तो मौला कायनात ने फरमाया, अब अल्लाह की रहमत थी, उसने ये तो नहीं देखा ये बद शक्ल है और ये खूबसूरत है, प्याले दोनों भर गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने देखें, जब गुनाहगार मांगता है ना, तो वो तो दो दफ़ा पुकार के कहता है कि मैं हूँ भाई, तो सिर्फ मांगने मांग सही एक बारी, और अल्लाह उस पर बहुत ज़्यादा खुश होता है जो रब की बारगाह में बार बार मांगता है, और जो नहीं मांगता फिर रब उससे नाराज होता है। और ये दुनिया की बात भी है कि आप किसी अपने बड़े के पास किसी आप अब जिस बात पर आप पहुंचे हैं, जो बात करें कि दुनिया दार के पास, दुनिया के बड़े के पास भी जाने की आदाब हैं, जाने के अंदाज हैं, तो बारगाह इलाम में भी जो आदाब बजा ला के हमने खालिक से मांगना है, वो नाज़रीन को बताइएगा कि कोने में तो बैठना है, वहाँ सजदा है, गिरे उजारी है, दुआ है, दिल की कैफियत का नाम है, सवाल से फरमाइएगा। देखें, सबसे पहली बात वो इखलास है जी, कि बंदा कोई भी काम करे, मालिक की बारगाह में जाए या मालिक के महबूब की बारगाह में जाए,
उस इखलास होना ज़रूरी है, उसकी नीयत खालिस हो। देखे ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस तौबतन नसूह से मुराद ही सच्ची तौबा है, उसमें इखलास है। अब यह है कि हम अल्लाह के हुजूर में जाएं, वो तो बहुत बड़ी एक अदालत है ना, वो तो अलैहिस्सल्लाहु बिहाकमिल हाकिमी, सब हाकमों के ऊपर वो हाकिम है, वो हमारा खालिक भी है, वो मालिक भी है। हम दुनियादार के पास जिस लेवल का आप सवाल करें, दुनियादार के पास जाते हैं तो हम बड़े संवर के जाते हैं, बड़े बड़ा एहतमाम करके जाते हैं कि चले वो बाहर ना हमें पहेंगे, हमारी बात सुन ले। तो हकीकत ये है कि ये दुनियादार है, यही तो फर्क है, दुनियादार उस मालिक का यही तो फर्क है। आप नीयत इखलास लेके जाएं और वसीला मुस्तफ़ा बनाएं, जिस अंदाज में चले जाएं आप, जाके जहां बैठ जाएं, जैसे चले जाएं, आप दो रात को आंसू बहाएं, अल्लाह आपकी मगफिरत फरमा देता है। आप बार बार गुनाह करके भी उसकी बारगाह में जाएं और फिर भी मांगें, जैसे कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का भी एक शख्स का वाकया है कि वो गुनाह करता था फिर तौबा करता था, गुनाह करता था फिर तौबा करता था। मालिक ने पैगाम भेजा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, वही भेजी कि आप इसे कहें अब दोबारा अगर तुमने गुनाह किया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। कुछ दिन के बाद फिर वो अपने गुनाह की तरफ रागिब हुआ, उसने गुनाह किया तो मालिक ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा कि अब मैं नाराज़ हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पैगाम दिया तो वो जंगल में निकल गया, जंगल में जाके कहता है कि मालिक मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि तेरे अलावा भी कोई बारगाह है जहाँ मैं चला जाऊँ। अब जब बंदा ये कहता है कि मौला तेरे सिवा तो कोई और मुझे चीज नजर ही नहीं आती, तेरे अलावा कोई बारगाह नजर नहीं आती, बस फकत तू है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फकत तू है। तो जब उसने ये बात कही तो मालिक ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि इसे पैगाम देने, मैंने इसे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हकीकत यह है कि हम अल्लाह के हुजूर में जाएं, पहले नीयत को साफ करें इखलास नीयत के साथ, इत्तबाए रसूल और सरकार की मोहब्बत लेके जब हम जाएं, चाहे वो मदीना पाक जाएं, काबा शरीफ में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, अपने घर के किसी कोने में बैठें, जहां भी हमारी नीयत इखलास में हो, यानी दिखलावा ना हो। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे हमने ये करना है और इस वजह से हमारा नाम पैदा हो जाएगा तो ये तो दिखलावा है। नाम सब एक ख्याल भी दिल में आ जाता है इंसान के, बहुत अरसा हो गया है रब की बारगाह में खड़ा हुआ ही नहीं बंदा दुआ के लिए, इल्तिजा के लिए, लेकिन जब कोई मुश्किल आन पड़ी है, कोई काम आ गया है तो फिर रब की बारगाह में हाथ उठ गए हैं, तो ख्याल ये भी दिल में आ जाता है कि वो गफूर रहीम है, मैं कितना गुनहगार बंदा हूँ कि अपने काम के लिए, तलब के लिए उस बारगाह में खड़ा हो गया हूँ। सुल्तानी साहब, कोई बारगाह में आया है या कोई नहीं आया, वो गुनाहगार है या नहीं है, उसको कोई मुश्किल पेश आई है, वो बीमार है, वो परेशान है, वो किसी हाल में भी जब उसको पुकारता है तो अल्लाह उसकी पुकार को सुनता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता। और याद रखे कि मायूसी तो वैसे ही कुफर में ले जाती है कि जब हो मुसलमान और फिर वो मायूसी में चला जाएगा, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं। कि जैसे एक शख्स था वो काबा शरीफ का तवाफ कर रहा था और एक बुजुर्ग जो था वो भी तवाफ कर रहा था, उसने कहा उसके पाँव के ऊपर उसका पाँव, उसने कहा कि मैं 70 साल से तवाफ़े काबा कर रहा हूँ और मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं तवाफ कर रहा हूँ। उस शख्स ने कहा अच्छा ठीक है, वो तलवार लाओ, अगर तू अब तवाफ कर, अगर तूने तेरी अब दुआ कबूल ना हुई तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो उसने कहा जी मुझे, मैं रब को पुकारता हूँ, रब से मुझे जवाब ही कोई नहीं आता। अल्लाह, तो जब ये सुना कि अब तो मेरी खैर नहीं है, खैर नहीं है अब तो मुझे ये मार देगा, तो उसने ऐसे गिड़गड़ा के तवाफ किया कि मालिक को पुकारा तो मालिक ने फरमाया कि मैं हूँ भाई। लबैक, उसने कहा मैं हूँ, उसी वक्त कर्म हो गया। तो बात इखलास का है, बात नीयत की है, जब तुम्हारी नीयत ठीक होगी तो मालिक सुन ले। बात नाजी इखलास की है, बात नीयत की है, और अल्लाह सब ने खूब फरमाया अशर मगफिरत में दाखिल हैं तो अल्लाह क्या समझते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ हमारी मालिक नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा, यहाँ भी सुनेगा, उससे मांगा जाएगा वो वहीं पे सुनेगा। खूब नाज़रीन, आज से गुफ्तगू सिलसिला जारी है।
हमें भी ज्वाइन किया है फालिया मंडी भाउद्दीन से, हमारे मेहमान नात ख्वाह मोहब्बत के साथ शरीफ फरमा हुए अभी रबी ज़रगाम हैदर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कलाम भी इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे। और सगीर अहमद नक्शबंदी साहब हमारे आज ख़ास मेहमान जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और इस सिलसिला इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। आपसे बड़ी मोहब्बत है, आका का जिक्र करने में सबसे बड़ी मोहब्बत है। आप फरमाएंगे साहबजा साहब के अल्लामा साहब ने इखलास की बात की है, नीयत की बात की है, इखलास लाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा कि इखलास उसको नसीब हो जाए, कि मफादात और तमा और साथ में अजीब किस्म के जो दिल की कैफियात हैं और बुरे ख्यालात हैं उनका खात्मा हो और लिल्लाहियत की जानिब इंसान सफ़र शुरू कर दे। देखिए ये इसके लिए ना इंसान को एक यकसुई का सफ़र करना पड़ता है कि आप एक ख्याल के ऊपर अल्लाह आपको चलने वाला बना दे, कि आप एक ख्याल के ऊपर कैसे चलते हैं। अब जिसने ये मान लिया कि अल्लाह एक है, वो मेरा राज़िक है, वो मेरा मालिक है, और ये बात दिल में उसके मौजूद है, बदरजाए उत्तम है, ठीक है, बिल्कुल सही, वो शख्स ये दिल के अंदर ये राशिक होना चाहिए, ये राशिक होना चाहिए जी। वो एक सरकार का एक पंजाबी का एक शेर है वासिफ अली साहब का, फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लादी रमज अनोखी अकला नाल न मिलदा, अकला वाला मर्द विचारा ना महरम मंजिलदा, अल्लाह नेड़े होंदा है जद सजदा होवे दिलदा, वासिफ यार अल्लाह नु लबना कम नहीं अकेलदा। अल्लाह ये आशिक की बात है, ये आशिक की बात, आशिक का काम है, ये आशिक का आकिल जो ना वो रह जाते हैं, वो अकल तो रह जाती है। इसलिए सरकार का एक और है मिसरा, बड़ा खूबसूरत एक फरमुदात में से है, आप फरमाते हैं कि तस्लीम से पहले जितनी तहकीक करनी है कर लो, तस्लीम से पहले जितनी तहकीक करनी है कर लो, लेकिन तस्लीम के बाद तहकीक गुमराह कर देगी। अब अगर तो हम तस्लीम वाले हैं तो फिर तस्लीम वाले लोग ऐसा बिहेव नहीं करते, फिर तस्लीम वाले किसी भी हाल में उनका बिहेवियर सबसे मुख्तलिफ होते हैं, चाहे रंज व गम हो, चाहे खुशी हो, चाहे कोई मामला हो जिंदगी का, तस्लीम वाले लोगों का बिहेवियर ही फर्क होता है, उनका अंदाज ही मुख्तलिफ होता है, वो और तरह से दुनिया को देख रहे होते हैं। ये जो तस्लीम में ये जो आधे अंदर आधे बाहर है ना जी, ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बिल्कुल ऐसे ना है, ये अल्लाह को पूरा मानते भी नहीं और अल्लाह को मानते किसी कश्ती में नहीं। हुक्म में कुरान भी यही है साहब साहब के उदखुलू फिस सिल्मी का, पूरे के पूरे दाखिल, पूरे के पूरे दाखिल, दरमियानी कैफियत नहीं चलेगी, दरमियानी कैफियत चलेगी नहीं जी। ये तो मुनाफकत में इसको कहूंगा कि जो पूरे के पूरे दाखिल हो रहे। देखिए ये अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत जो हमें दीन दिया है, इसके बीच में हमारी हर तरह की इस्लाह मौजूद है, हर तरह की, और जितने भी औलिया अल्लाह का जो भी सिलसिला अल्लाह ये चला रहा है, ये सारे के सारे लोग सिर्फ इखलास के ऊपर बेस करते हैं और कहते हैं कि ये जो शरीयत है इसमें थोड़ी सी मोहब्बत दाखिल करो, ठीक है, जब तुम मोहब्बत इसमें दाखिल करोगे ना तो फिर तुम्हें बात समझ में आएगी कि ये रास्ता कैसे चल रहा है। मोहब्बत की बात है और मोहब्बत का बीज जब बोया जाएगा नाजरीन, तो जो फल निकलेगा वो तो फिर ऐसा होगा कि उसमें खुशबू भी होगी और फलों से लेस भी होगा। एक कलाम शामिल कर लेते हैं ज़रगाम साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब। शहरे तैबा तेरे, शहरे तैबा तेरे, बाजार महकते होंगे, शहरे तैबा तेरे, बाजार महकते होंगे, तेरी गलियों से जो सरकार गुजरते होंगे, से जो सरकार गुजरते होंगे, शहरे तैबा हुस्न कामिल से कोई न
से हुस्न कामिल से कोई नजर घटाए कैसे, देखने वाले उन्हें देखते रह गए होंगे, देखने वाले उन्हें देखते रह गए होंगे, मस्त घंघोर घटाएं उमड़ाती होंगी, मस्त घंघोर घटाएं उमड़ाती होंगी, उनके चेहरे पे अगर उनके चेहरे पे अगर केसो बिखरते होंगे, उनके चेहरे पे अगर केसो बिखरते होंगे, शहरे तैबा जाके जिब्रील ने फिरे नजर उतारी होगी, जा जाके जिब्रील ने फिरे नजर उतारी होगी, उनके कांधों पे जो हसनैन चहकते होंगे, उनके कांधों पे जो हसनैन चहकते होंगे, शहरे तैबा उनके आने में कभी देर जो होती होगी, उनके आने में कभी देर जो होती होगी, उनके मामूल के रास्ते तो तड़पते होंगे, उनके मामूल के रास्ते तो तड़पते होंगे, शहरे तैबा दिन को सूरज भी उन्हें ढूंढता फिरता होगा, दिन को सूरज उन्हें ढूंढता फिरता होगा, रात को चांद सितारे भी मचलते होंगे, तेरी गलियों से जो सरकार गुजरते होंगे, शहरे तैबा।
माशाल्लाह जी, खूब राम साहब, क्या खूब कलाम आपने पढ़ा माशाल्लाह, और अंदाज भी आपका बहुत खूबसूरत रहा आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। ये हमारे बड़े ख़ास दोस्त हैं मिनहाज रुकरान के, हसान मिनहाज अफजल शाही साहब के खास शागिर्द हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। परवरदिगार उनको भी सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे, सुबहानअल्लाह। हज़रत अल्लामा हफीज़ुल्लाह सुहरावर्दी साहब की जानिब आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँगे। यकीनन जो आज का टॉपिक और आज का जो हमारा मौजू चल रहा है, प्रोग्राम के आगाज़ में वक़ार साहब ने एक जुमला अल्लामा साहब कहा हफीज़ुल्लाह सुहरावर्दी साहब, और यकीनन उसकी तायद भी आपने इस एतबार से की कि अशरा रहमत जो है वो तो ख़त्म हुआ है लेकिन रहमत जो है वो ख़त्म नहीं हुई। ऐसा ही है जी, अशरा रहमत ख़त्म हुआ है लेकिन रहमत ख़त्म नहीं हुई। तो फिर सवाल ये भी दिल में उठ जाता है कि मगफिरत का जाम अगर किसी को नहीं पिलाया जाता तो फिर जहन्नम से आज़ादी उसके लिए नहीं है क्या, उसका मुकदर नहीं होगी? साफ ज़ाहिर है कि ये मगफिरत तो ज़रूरी है ना, किसी को जहन्नम से आज़ादी के लिए जब तक अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाता तो उस वक्त तक तो वो जहन्नम से आज़ादी होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप जो सरकार ने तीन हिस्सों में रमज़ान शरीफ को तकसीम फरमाया है जी। उसका मकसद ये है कि पहले जितनी रहमत लूट सकते हो लूट लो, उसके बाद जब रहमत लूट लोगे तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली मगफिरत है, अशरा मगफिरत में चले जाओगे। अब अशरा मगफिरत के साथ साथ जब आप, अब ये है कि आप इस्तगफार करो, अल्लाह से मगफिरत मांगो जितनी मांग सकते हो। अब अल्लाह मगफिरत जब फरमाता है तो रहमत के बगैर भी मगफिरत नहीं होती है, तो अल्लाह आप इस्तगफार करेंगे अल्लाह से मगफिरत मांगेंगे, लेकिन मगफिरत जरूरी है। फिर अभी मगफिरत जरूरी है, जरूरी जब अल्लाह मगफिरत फरमाएगा तो इतको मिनन्नार में आप चले जाएंगे, जहन्नम से आप आज़ाद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये बड़ा हमारे लिए सुनहरी गोल्ड चांस है हमारे लिए। आपने कहा ना, मतलब कि इसमें कोई शक भी नहीं है कि कोई भी लम्हा कोई भी घड़ी रहमत से खाली तो नहीं है, सुबह है शाम है रात है दिन है, रहमत के दरवाजे तो देखें जी अल्लाह आखिर तक, बिल्कुल रहमत के दरवाजे। कोई शख्स ये ना कहे कि अल्लाह मैं तो आया ही बड़ा उस वक्त था जब रहमत का दरवाजा बंद हो गया। इसलिए अल्लाह ने रहमत का दरवाजा क़यामत तक इसको रखा है, यानी आखिर तक कोई एक भी आखिर पे आने वाला ये नहीं कह सकता कि दरवाजा बंद था। तो जब दरवाजा खुला है, ओपन है दरवाजा, तो फिर इंसान किसी वक्त भी जब चाहे वो अल्लाह से इस्तगफार करे, वो अल्लाह से तौबा करे। अल्लाह ताला फरमाता है कि तू तौबा कर, तू अपने इखलास नीयत के साथ जब भी तू मांगेगा तो मेरे दरवाजे तो खुले हैं। वो तो ऐसा सखी है ना, देखे ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की बात हुई तो कुर्बानी देने लगे तो उस वक़्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा कि मैं देखो कितना सखी हूँ कि बुढ़ापे के मामले में अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, मैं अल्लाह के रस्ते में कुर्बान कर रहा हूँ। तो बेटा बोला कि अब्बा जान बेटे तो आपको और भी हो सकते हैं, इस्माइल एक ही है, मैं आपसे सखी हूँ कि इस्माइल एक ही है जो अल्लाह के रस्ते में कुर्बान हो रहा है। तो ऊपर से निदा आई कि आना असखा, मैं तुम सबसे ज़्यादा सखी हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैं तेरे बेटे को बचा भी लूँगा, तुम्हारी क़यामत तक तुम्हें कुर्बानी का सवाब भी दे दूंगा। तो वो सबसे ज्यादा सखी है, और जो सबसे ज्यादा सखी है उस सखी की बारगाह में आप जब भी मांगेंगे तो वो आपको अता करेगा। और फिर उसने नीचे सखियों के शहनशाह सरकारे मदीना रहमतुल्लाह अलालमीन को बना दिया और फरमा दिया कि महबूब अम्मसाइला फलातन, तेरी बारगाह में कोई भी आए खाली वापस नहीं उसको मोड़ना। और यही बात है कि हुजूर की बारगाह में जो आया जैसा आया, मदीने में रहकर तो हुजूर वैसे ही जनते तकसीम करते रहे, बांटते रहे, खजाने बांटते रहे। आओ भाई जिसने जन्नत लेनी है मैं बैठा हूँ, आओ मुझसे जन्नत लो। तो जन्नत ऐसे तो नहीं दी जाती, जो जन्नत का मालिक हो वही दे सकता है। जन्नत ऐसे ही दी जाती है, जन्नत का मालिक हो वही बांटता है। क्या खूब जुमला का एक शेर मुझे फरमाते हैं, रहमत ने तेरी मुझको गले से लगा लिया, रहमत ने तेरी मुझको गले से लगा लिया, मैं डर रहा था वरना हिसाबों किताब से। सुभान अल्लाह, यही तो उसकी रहमत है। सुभान अल्लाह, कि हमें अब वो ये जो रहमत ढूंढने का एक ख्याल जहाँ पैदा होता है ना, ये रास्ता असल में इसी को रूहानियत कहते हैं, इसी को तसव्वुफ कहते हैं, कि ये अल्लाह तक एक मोहब्बत का जो रास्ता है ये कैसे करना है। हज़रत वासिफ़ अल-वासिफ़ का एक बड़ा कीमती कॉल है, आपने फरमाया कि इबादत अल्लाह की, मोहब्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
اور خدمت انسانیت کی. یہ ایک مکمل نسخہ کیمیا ہے. پورا پیکیج ہے یہ, پورا پیکیج ہے. سبحان اللہ. کہ عبادت اللہ کی اور محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدمت انسان کی. اگر انسان ان میں سے کسی ایک شعبے سے بھی منسلک ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ اس پر مہربانی ہو گئی ہے. ہو گئی ہے. ہاں جی. پہلی سیڑھی چڑھ گیا. پہلی سیڑھی چڑھ گیا. ایک وائس اپ کا ایک اور فقرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فقیری بے ضرر ہونے پہ شروع ہوتی ہے ٹھیک, اور منفعت بخش ہونے پہ مکمل ہو جاتی ہے. اٹ مینز کہ ابتدا اس کی یہ ہے کہ انسان بے ضرر ہو جائے دوسروں کے لیے, بے ضرر ہو جائے. اس کا جو کہ انتہا اس کی یہ ہے کہ انسان منفعت بخش ہو جائے. ہاں جی. کہ دوسروں کے لیے فائدہ نکلنا شروع ہو جائے. اب یہ اس کی ذات جب دوسروں کے لیے کوئی منفعت بخش ہو جاتی ہے, دوسرے اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو بیسکلی وہ یہ سفر اللہ کا ہے اور اللہ کے حوالے سے ہی جو ہے نا یہ سارا دھیان چل رہا ہوتا ہے. اور وہ ایک خیال میں جب تک نہیں آئے گا, وہ ایک بس ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ یہ یکسوئی کا پوچھنا ہے تو پنہارن سے پوچھ, دھیان بات کرے وہ سکھیوں سے پر دھیان گگر کے بیچ. کہ یہ کیا بات, بڑی اہم آپ نے بات کی صاحبہ صاحب, اور یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین, بہت بڑا جملہ ہے. دھیان وہاں پہ رہے, ہاتھ کارول دل یارور. سبحان اللہ جی, ماشاء اللہ. یہ ایک موضوع کی جانب جو ہے وہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے ہمیں جو ہے وہ منسلک کیا ہے. اور سحر کی گھڑیاں آپ جانتے ہیں قریب قریب ہیں, یعنی کہ جو معاملات ہیں لوازمات حوالے سے گھروں میں اہتمام جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت میں بھی ہمارے جو ثنا خان مہمان ہوتے ہیں ہم ان سے خوبصورت کلام سنیں, تاکہ دیکھنے والے سننے والے پاکستان میں ہوں, پاکستان سے باہر ہوں, ایک کیفیات اس وقت ایسی ہوتی ہے, ایک ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ جب آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے تو اس انداز میں جب رب کی بارگاہ میں التجا کی جائے تو یقیناً وہاں سے کرم نوازی ہوتی ہے. اور پھر چونکہ وقفہ ہمارا سحر کا قریب قریب ہے, اور اس وقفے میں آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا راہ ہدایت, جو کہ آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں, تو اس سے پہلے ہم چاہیں گے ہمارے مہمان بھائی صغیر نقشبندی صاحب, بہت خوبصورت کلام ماشاء اللہ سبھی خوبصورت ہیں جو آپ پڑھتے ہیں, اور جس طرح آپ کا دل چاہے جیسے آپ پڑھنا چاہیں, دیکھنے اور سننے والے ہمارے ساتھ شامل رہیں گے ان شاء اللہ. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, کیا ہے میرے ساری
गुनाहगार हूँ, आका बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार, मैं बे करार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी महबतों का सिला ऐसे कौन दे से हैं, हुजूर मेरी तो सारी ये लफ्ज़ नात के जितने हैं आप देते हैं, ये लफ्ज़ नात के जितने गोई में मेरा शुमार आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, सारी हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है, हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है, ये आँख तेरी ज़िया अश्क बार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। खुश आमदीद नाज़रीन, सहर की बराह रास्त नशरियात कोहे नूर न्यूज़ पे एहतराम रमज़ान आप देख रहे हैं।
اہلیان لاہور اور گرد و نواح میں بسنے والوں نے اپنا 11واں روزہ جو کہ اختیار کر لیا ہے۔ اہل کراچی اپنے 11ویں روزے کا یقیناً احترام کر رہے ہیں، سحری کا انتظام ہو رہا ہوگا، اہل کراچی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ دنیا بھر کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج مغفرت کے حوالے سے، توبہ استغفار کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحبزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، فرزند ہیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، بڑے اچھے ماشاءاللہ کلام سن رہے ہیں آپ سے ہم، ان کے ساتھ موجود ہیں پھالیہ منڈی بھاودین سے آئے ہمارے ثنا خان رسول جناب زرغام حیدر صاحب، آپ کو بھی دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بہت ساری باتیں ہیں، دل کی باتیں ہیں، انسان کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ 70 ماؤں سے جو بڑھ کے پیار کرتا ہے، اس خالق سے جو رشتہ ہے محبت کا قائم ہونا چاہیے۔ جب انسان کے من میں خالق کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ محبت انسان کو اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، قرب خداوندی نصیب کرتی ہے، اور جس من میں، جس سینے میں محبت کا جو کہ چراغ روشن نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مدھم ہوتا رہتا ہے زندگی کا چراغ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت الہی، خشیت الہی، مولا کی محبت، قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حب للہ، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، فقط محبت کی بات نہیں فرمائی، فرمایا اشد کہ شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت میں جب شدت آتی ہے تو اہل عشق کہتے ہیں، پھر وہ محبت ہی نہیں رہتی، وہ عشق بن جاتا ہے۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، خالق کی محبت انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے کہ جو ایسا مقام ہوتا ہے کہ پھر انسان اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ انسان کا ولی ہو جاتا ہے۔ ولایت یہ دوہرا رشتہ ہے، اللہ کا بندے سے اور بندوں کا اللہ سے، یہ عقیدے کا کلائمیکس ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے توبہ استغفار کا در ہے جو ہمیشہ کھلا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مغفرت کی ان ساعتوں میں اپنے خالق سے استغفار کریں، معافی کے طلبگار بن جائیں۔ ہم بات کریں گے علامہ صاحب، آپ سے بھی سلسلہ جاری ہے، آپ کلام سنانا چاہتے ہیں تحت اللفظ میں یا بات کو آگے بڑھا لیں؟ جی ٹھیک ہے، کلام تو جو جن کو اللہ نے خوش الحان بنایا ہے جی، یہ بڑی بات ہے ناظرین۔ حضرت واصف علی واصف کے جو کلام ہیں صغیر بھائی کو، ابھی جو کہ صاحب صاحب نے فرمایا اور انہوں نے کہا ہاں جی پڑھ لیں گے کلام، ایسا کون سا، جب جو بڑے نعت خواں ہوتے ہیں وہ پھر سر خود ہی بنا لیتے ہیں جناب، بزرگوں کا فیضان بھی تو ہے جی جی، ایسا ہی ہے۔ واصف کی شخصیت ایک بڑی روحانی جی، چاہیں کہ پھر آپ فیضان کو جاری رکھیں اور کلام شروع کریں ماشاء اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور پر ہے فدا ساری کائنات میری، حضور ہی کے کرم سے انہی کی یاد میں رو رو کے دن گزارے ہیں، انہی کی یاد میں رو رو کے دن گزارے ہیں، انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری، انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور ہی کے کرم سے۔ سبحان اللہ، شیر
بڑا خوبصورت ہے، حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے، حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے، حضور ہی حضور کے ہی وسیلے سے ہے نجات میری، حضور ہی حضور کے ہی وسیلے سے ہے نجات میری، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، اور در حبیب سے ہستی کو مل گیا عنوان، در حبیب سے ہستی کو مل گیا عنوان، وگرنا کون ہوں میں اور کیا ہے ذات میری، وگرنا کون ہوں میں اور کیا ہے ذات میری، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور ہی کے کرم سے نکل رہے ہیں جو یاد رسول میں آنسو، نکل رہے جو یاد رسول میں آنسو، یہی ہے درد میرا یہی درود میرا، یہی درود میرا ہے یہی صلات میری، یہی درود میرا ہے یہی صلات میری، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور پر ہو فدا ساری کائنات میری، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بندی صاحب ماشاءاللہ، کچھ آپ چکے خود بھی شاعر ماشاءاللہ ہیں، اور یہ ایک دم سے ہی جیسے کلام پیش کیا اور آپ دیکھیں پڑھا ہے ماشاءاللہ، ابھی دو منٹ میں جی بالکل سبحان اللہ الحمدللہ، یہ فیضان ہے حضور کی نعت کا، اللہ تعالیٰ اس فیضان کو جاری رکھے۔ صاحب کیا کہنے، جی جی بسم اللہ، جس دل میں بسی رہتی ہو ولیوں کی محبت، واہ، رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رستہ ہی ایسا ہے کہ جو اس رستے کے مسافر ہیں ان کے اس رستے میں خانقاہ، درگاہ، اولیاء اللہ، بزرگ، مسجد، یہیں پر ہی وہ نظر آئیں گے، وہ لوگ انہی رستوں پر ہی چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جی مستقل مزاجی سے طے ہوتا ہے، صحیح، اور یہ مستقل مزاجی ہمیں رمضان شریف سب سے اچھی سکھاتا ہے جی، ماشاءاللہ، کہ یہ جو 30 دن ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ پورے سال کی ایک ریاضت ہے، واہ واہ واہ، جو یہ مجاہدہ 30 دن میں کروایا جاتا ہے، جو اپنے نفس پر جو کنٹرول سکھایا جاتا ہے،
ये इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ 30 दिन है, ये इसलिए है कि ये अगले भी सारे महीनों में आपकी ये प्रैक्टिस रहे। बेशक बाद साहब का एक कॉल है कि मस्जिद के अंदर की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी अगर बराबर हो जाए, जनाब अगर मस्जिद की अंदर की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी बराबर हो जाए तो समझ लो कि नमाज कायम हो गई। सुभान अल्लाह। अब ये जो नमाज कायम होना है ये इसका मतलब है कि आप उसी हालत में मस्जिद में हैं, उसी हालत में आप बाहर हैं। जो अल्लाह अंदर है वही अल्लाह बाहर है। क्या बात। तो ये मेहरबानी होती है कि आपको अगर इस रास्ते मिल रहा है सफ़र, तो इस रास्ते पे आप कहते हैं कि ये अल्लाह का रास्ता है और अल्लाह ही आपके साथ है और अल्लाह ही ने आपको ये सफ़र देना है। सुभान अल्लाह। सरकार कहते हैं कि मेहरबानी पहले होती है, सफ़र बाद में मिलता है। हाँ हाँ। कि ये भी एक मेहरबानी का हिस्सा है कि आपको नेक संगत मिले, नेक रास्ता मिले, नेक लोग मिले, नेक ख्याल मिले। ये नेकी का सफ़र ही सारे का सारा जो है ना जी, ये बरकतों वाला है। और ये हमें रमज़ान शरीफ जो है ये बार बार इस बात की जो है वो हमें मनादी देता है कि ये रास्ते को आपने चलाए रखना है, ये मगफरत अपनी ज़िंदगी में जारी रखनी है। वैसा फरमाया करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह मिला के पढ़ा करो। ठीक है। कि या अल्लाह जो तूने मुझे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मैं कर रहा हूँ अस्तगफिरुल्लाह, ये साथ दोनों मिला के तो सफ़र को आगाज़ करते रहें कि या अल्लाह जो हम कर रहे हैं, बस पता नहीं कौन सी नमाज़ें हमने पढ़ ली हैं, छोटे मोटे गलत सही सारे सजदे कर लिए हैं, कभी हम सोशल नमाज़ें पढ़ते हैं, कभी हम दफ्तरी नमाज़ें पढ़ते हैं, कभी कौन सी नमाज़ें पढ़ते हैं, कई तो प्रेशर में आके इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं कि वो एक बच्चे ने बताया कि जी इतनी सख्ती होती थी नमाज पढ़ने की कि कई दफ़ा बग़ैर वजू के ही नमाज पढ़ ली। अल्लाह सख्ती यानी कि देखें तो ये तो शौक़ का सफ़र है। जी शौक़ का सफ़र। एक बार साहब का पंजाबी का शेर आखिर में आपको पेश करता हूँ कि शौक़ चराग जलाओ दिल विच होमड़ दूर हनेरे, जिथे शौक दे दीवे बल्दे चानन चार चुफेरे, शौक दी मंजिल हर मंजिल तो अगे होर अगेरे, वासिफ यार चलो चल वसीए जिथे शौक दे डेरे। जिथे शौक दे डेरे जाम साहब, वाकई ये सफर शौक का है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बिल्कुल शौक का है, शौक के बगैर और इश्क के बगैर तो सफर ही कोई नहीं है। हां जी। वाह वाह। किसी चीज का जब शौक होता है तो फिर शौक में ही सारे काम होते हैं। शौक के बगैर तो वही है ना कि एक एमरजेंसी है ना, आप लगा दें बस। लेकिन आप शौक के साथ एक इबादत करना, एक बगैर शौक के एक मजबूरी समझ के करना, एक फॉर्मेलिटी समझ के करना, तो वो तो मज़ा नहीं है ना। मज़ा तो इसमें कि आप हिम्मत के साथ शौक के साथ बैठे हों। और जितने हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं बेसिकली डायरेक्ट सफ़र मदीना नहीं किया गया, पढ़ते पढ़ते किसी न किसी रहबर के साथ गए हैं। सुभान अल्लाह। और रहबर फिर जब लेके गए हैं तो फिर वहाँ से मंजूरी भी लेके आए हैं, तो शहर मदीना से मंजूरी भी हुई है। तो इसीलिए रहबर का होना ज़रूरी है। और जब बंदा इश्क की मंजिल में अपने सफ़र का आगाज़ करता है तो मुश्किलात तो होती हैं। मुश्किलात तो होती हैं, मगर मुश्किलात का सामना भी किया जाता है, उसको कबूल भी किया जाता है। और शौक के सफर में बड़े मसायब बड़े आलाम भी होते हैं, मगर उनका सामना भी किया जाता है। कलाम शामिल करेंगे ज़रगाम साहब आपसे। बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है,
ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, خدا سے جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے, خدا سے جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے, انہی کے ذکر سے روشن رتے پھر لوٹ آتی ہیں, انہی کے ذکر سے روشن رتے پھر لوٹ آتی ہیں, نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے, درودوں کی مہک سے محفل آباد رہتی ہے, درودوں کی مہک سے محفل آباد رہتی ہے, میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے, میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے, محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے, محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے, بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے, بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے, دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. بہت خوب جناب, بہت ماشاء اللہ بہت خوب جی. قبلہ, اس نام کی برکتیں ہی ایسی ہیں کہ انہی کے ذکر سے ملتی ہے فقیروں کو شہنشاہی, اور یہ فقیر شہنشاہ بن جاتے ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک جی, یہ تو بہت بڑی سعادت ہے جی آپ کی زندگی میں. کہتے ہیں کہ جو روحیں اس دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں وہ یہاں آنے سے پہلے بھی درود بھیجتی تھی, سبحان اللہ, اور یہاں سے جانے کے بعد بھی بھیجتی رہی. واہ واہ واہ, یہ ایک مہربانی ہے جو آپ پر ہوئی ہوتی ہے,
और कहते हैं कि दुरूद भेजने वाली रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। सुभान अल्लाह। ये भी इस नेकी के सफ़र का एक हिस्सा है कि जब आप अल्लाह के पास जाते हैं तो वो आपको अपने हबीब की तरफ भेज देता है, और जब आप उसके हबीब की तरफ जाते हैं तो वो आपको अल्लाह की तरफ भेज देता है। एक दूसरे के साथ का ये सारा खेल है कि आपने अल्लाह ने बनाया ही इंसान को इसलिए कि उसकी इबादत करें। अब हम कुछ भी कर लें, अपने माशरे में काम कर लें, रोज़गार कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन सब चीज़ों के साथ एक ख्याल जो अल्लाह ताला का जो अजली ख्याल है वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए। ठीक। जब आप इस ख्याल के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी से झूठ निकल जाता है, बाकी मुनाफ़कतें निकल जाती हैं, और आप इंसान बिल्कुल खरा और सच्चा हो के बीच में। खरा और सच्चा होना ही इंसान की ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप रहिएगा हमारे साथ। खुश आमदीद नाज़रीन, एहतराम रमज़ान सहर की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं, और आज का जो हमारा अनवान है, जिस हवाले से हमने बात की है, मगफरत की, बख्शिश की, वासिफ़ साहब की बातें भी हो रही हैं और आका अलैहिस्सलाम का जिक्र भी जारी है कुरान और हदीस की रोशनी में। अलामा साहब, आखिरी लम्हात हैं 11वें रोज़े की सहर ट्रांसमिशन के, आप फरमाइएगा कि एक ऐसा इंसान है जिसका ताल्लुक मादियत के साथ है, रंगीन दुनिया के साथ है, और एक ऐसा मुसलमान है कि जो कभी नमाज़ पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी जाता है, कभी नहीं जाता, ये दोनों कैफियतों में रहने वालों के लिए आप क्या फरमाएंगे, कैसे हमें साबित कदमी और अल्लाह की मोहब्बत और तौबा का जो दर खुला है, ये तौबा हमें नसीब हो जाएगी? देखें जी, एक तो वो है जो जाता ही नहीं है, और एक वो है जो कभी जाता है और कभी नहीं जाता, ये उससे ख़तरनाक चीज़ है। कभी जाना कभी ना जाना, कभी जाना कभी ना जाना, ये उससे खतरनाक चीज़ है जो जाता नहीं है। जो जाता नहीं है, एक तो है ना वो बिल्कुल जाता ही नहीं है। हाँ। तो एक जाता है लेकिन वो भी एक ऐसी कैफियत में कि कभी जाता है, यानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो चल रहा है ना। तो यहाँ जहाँ अल्लाह की इबादत और रियाजत की इबादत थी, वहाँ अपनी मर्ज़ी तो नहीं चलती है। तो इसलिए अल्लाह के हुजूर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, सीधी बात है कि वो कोई जाता है कोई नहीं जाता, उसकी बारगाह में तो किसी वक्त भी कोई चला जाएगा तो वो उसे कबूल कर लेगा, क्योंकि वो मालिक है, उसने तो हर एक की सुननी है, और जो भी जाएगा वो उसकी बात को, उस पर अपनी रहमत फरमाएगा। तो हकीकत ये है कि एक तो दिखलावा नहीं करना चाहिए, नंबर टू ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से कभी चले जाएँ कभी ना चले जाएँ, ये भी एक नापसंदीदा फेल है। जिस तरफ बंदे का झुकाव हो, लगन हो, तो फिर बंदा सही मानों में उसकी तरफ झुक जाए, और मालिक की बारगाह में तो कोई बंदे की अपनी मर्ज़ी की बात ही नहीं है, रियाकारी है ही नहीं है। वो तो जब भी इंसान जाए खलूस नियत के साथ जाए, इत्तेबाए रसूल में जाए, तो मालिक से जाके मांगे वो, तो मालिक उसे अता फरमाता है। लेकिन जो बिल्कुल जाता ही नहीं है, आना तो उसने भी है, ये नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो ज़रूर आएगा, कि अपनी उरूज पे जाके वापसी तो उसकी भी है ना, जिस तरह हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो आया उसने जाना भी है, ये भी एक अरबी का तो भी है। हकीकत यह है कि जितना मर्जी इंसान मादियत के दौर में चले जाए, ये हमारे सामने मुशाहदा है कि बड़े बड़े जिनको हम कहते हैं कि ये दुनिया की इंतहा पे पहुँच चुके हैं, रमज़ान शरीफ देखें, उन्होंने भी अपने सर झुकाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे कहते हैं कि कुल्लू शईन यरजू इला असलिही, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है, लौटना तो है, बिल्कुल लौटना है जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, जो पूरे 11 महीने अल्लाह के हुजूर में नहीं आते, इस महीने वो भी आ जाते हैं, क्यों आते हैं, वो समझते हैं कि चलें ये रहमत ही रहमत है, चलें को अल्लाह ताला, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो नियतन नहीं आते लेकिन बदल जाते हैं, बदल जाते, यानी उनकी एक उनकी रूटीन में एक ऐसा सिस्टम आ जाता है कि उस रूटीन में रह के अब वो देखते हैं कि नहीं यार, जो हम कर रहे थे वो ठीक नहीं, ये ठीक है, ये सही है, सब और वो बदल जाते हैं, सब बदले ना बदले, रेशो
बढ़ती जा रही हर माह रमजान, कुछ ना कुछ बदलते हैं, कुछ ना कुछ लोग कुछ ना कुछ नहीं बदलता, बहुत ज्यादा कुछ बदलता है, कुछ बदलता है। जहां शैतान अपने काम कर रहा है तो साफ जाहिर है कि जो रहमान के बंदे हैं वो भी तो चल रहे हैं ना, रहमान के ये सारे सेटअप जो है इसीलिए है ना कि तबलीग का जो सिस्टम है वो हर प्लेटफॉर्म से वो चल रहा है। तो इसी तरह यही है कि जैसे जैसे आवाज़ किसी न किसी कानों पे जाती है, सोशल मीडिया अपना काम कर रहा है, आपके चैनल अपना काम कर रहे हैं, नात खां खुतबा ये सारे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, तो अपने अपने हिस्से डाल रहे हैं। साफ़ ऐसे तो नहीं है कि सगीर नक्शबंदी की कोई नात नात सुने और किसी के दिल पे वो असर ना करे, किसी ना किसी के दिल पे तो असर करेगी ना। नात शरीफ सुनना ही बड़ी बात है, बाकी तो सारे सिस्टम बाद में, नात शरीफ को बंदा तवज्जो से सुन ले या कुरान को तवज्जो से सुन ले, ये सुनना ही बड़ी सादगी बात है। अल्लाह वैसे ही करम फरमा देता है कि जब उसके महबूब का हम जिक्र सुनते हैं अल्लाह मेहरबानियाँ फरमाता है। तो यही है कि मगफिरत का हमारा अशरा जो है जिसका आज हमने आगाज़ किया है, तो यकीनन हर एक बंदे को मगफिरत मांगनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी अगर मिनट दो मिनट टाइम है तो शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब हुनियत तालिबीन में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि हर एक इंसान पर तौबा फ़र्ज है, हर एक पर, इसलिए कि कोई इंसान ऐसा नहीं है, अंबिया की जमात तो मासूम है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिससे कोई अमली फेल ऐसा सरजद नहीं होता। अगर बिलफर्ज उनसे कोई अमली ऐसा गुनाह नहीं होता तो फिर उनके अंदर शैतानी वसवसे ज़रूर पैदा होते हैं। कहते हैं अगर शैतानी वसवसे भी पैदा ना हो तो इंसान के अंदर ख्यालात बातला का जो है नज़ूल वो ज़रूर होता है। वो कहते हैं अगर ख्यालात बातला का नज़ूल भी ना हो तो फिर भी ऐसे लोग हैं कि जो रब की किसी न किसी वजह से नाफरमानी में चले जाते हैं। तो इसलिए हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने गुनियत तालिबीन में आपने फरमाया कि हर एक पर तौबा फ़र्ज़ है कि वो हर वक्त तौबा करता रहे शैतानी वसवसों से बचने के लिए, ख्यालात बातला से बचने के लिए। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रवायत में कि आप 70 बार रोज़ाना इस्तिगफार करते थे, एक रवायत में आता है कि आप 100 बार रोज़ाना इस्तिगफार करते थे। अब नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, मासूम हैं, लेकिन अल्लाह के हुजूर में वो भी 100 दफ़ा रोज़ाना इस्तिगफार करते हैं। तो इसलिए हमें तौबा करनी चाहिए और हर वक्त करनी चाहिए, हर वक्त हमें इस्तिगफार करना चाहिए। ये मगफिरत हमें हर लम्हा अल्लाह के ज़ोर में मगफिरत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा दे। बिल्कुल जी सगीर भाई, कलाम सुनाइए माशाल्लाह। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जाली, वो सुनहरी जालियां, वो सुनहरी जालियां, अपनी पलकों से उन्हें मैं, अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक, अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक, दिल में जब भी जगमगाती है सुनहरी जालियां,
करूं के याद आती है सुनहरी जालियां फूटने लगती है फिर फूटने लगती है फिर उम्मीद की किरणें नई फूटने लगती है फिर उम्मीद की किरणें नई ख्वाब आँखों में जगाती सुनहरी जालियां ख्वाब आँखों में जगाती है सुनहरी जालियां शेर देखिएगा जरा जिंदगी भर की थकन को प्रकाश भाई जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो प्यार से जब मुस्कुराती सुनहरी जालियां प्यार से जब मुस्कुराती है सुनहरी जालियां अबूबकर भाई वो वक्त कैसा होता है जब पूछने वाले पूछते हैं क्या देख के आए हो शायर कहते हैं पूछने वाले मैं लफ्जों मैं बयां कैसे करूं पूछने वाले मैं लफ्जों में बयां कैसे करूं क्या बताऊं क्या बताऊं क्या दिखाती है सुनहरी जालियां क्या बताऊं क्या दिखाती है सुनहरी जालियां जो यहां पहुंचा वो आका की शफात पा गया जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफात पा गया राह जन्नत की दिखाती है सुनहरी जालियां क्या करूं के या बहुत खूब बहुत आला जनाब माशाल्लाह बहुत खूब अल्लाह मजीद फजीद जी क़िबला आखिर में पैगाम दीजिए आज की ट्रांसमिशन के हवाले से अशरे मगफिरत के हवाले से पैगाम तो नहीं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूँगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है जब तक इसको असल कामयाबी का तस्वर वाज़े नहीं होगा तब तक इसका रुजू सही नहीं होगा जी हमारे यहाँ जो कामयाबी का तस्वर दिया गया है वो इस्लामी माशरे से बिल्कुल दूर है ठीक है हजरत वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है आप फरमाते हैं कि उस शख्स की तारीफ मत करो जिस शख्स की आकबत तुम अपने लिए पसंद नहीं करते अगर सोशल स्टेटस गाड़ी पावर सारा कुछ भी देखा जाए कि अपने अरूज पर हो और नाम उसका फिरौन निकल आए तो आकबत उसकी फिरौन जैसी ही होगी
ठीक है। सरकार का एक और जुमला है कि हम लोग फिरौन की ज़िंदगी चाहते हैं और मूसा की आकबत, ये कैसे मुमकिन है? उस रास्ते के लिए, उस मंजिल के लिए वो रास्ता चाहिए। अगर हमारी मंजिल ये ज़ाहरी दुनिया की शानो शौकत ही है तो ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। ये आपको आपकी मंजिल से दूर कर देगा, आपकी असल मंजिल जिसमें इस्लाम की असल बका है, मुसलमान की असल बका है, मोमिन की असल बका है। तो ये जब तक हमारे नौजवान नस्लों में ये इस बात का शऊर पैदा नहीं होगा कि हमने फॉलो किसको करना है, हमने किस जैसा इख्तिताम ज़िंदगी में करना है, तब तक हमारा रुजू जो है ना वो सीधे रास्ते पर नहीं आएगा। और इस मकसद के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी जो मैं चीज़ समझता हूँ कि हमारे कोर्सेज के अंदर इसका कहीं ना कहीं ज़रूर हिस्सा होना चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज़िंदगी और सीरत जो है ये हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाए ताकि वो उस पर ज़िंदगी में किसी को आइडलाइज़ करें, समझें। हमारे तो कोर्सेज से दिन ब दिन जो है वो दीनियात समझ के तो निकाला जा रहा है, हमारे तो इखलाकियात भी दीनियात हैं जी। जी ऐसे ही। तो ये असल जो हम समझते हैं कि अब ये वक्त है कि इस वक्त में लोगों तक औलिया अल्लाह की तालीम को लेके आया जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लेके आया जाए और वो लोगों में बयान हो, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में बयान हो, ताकि लोगों को असल कामयाबी का पता चले कि असल कामयाब इंसान है कौन। बिल्कुल ठीक। ये जब तक बात वाज़ह नहीं होगी ना तब तक हमारा रुझान कभी क्रेडिट कार्ड है तो कभी बैंक है तो कभी बैलेंस है, तो ये सब बैलेंस आउट हो जाते हैं जिस दिन आँख खुलती है दूसरी तरफ, जिस दिन पता चलता है कि आप का नाम भी नहीं रह गया और आप सिर्फ एक मैयत रह गए। अल्लाह तो अल्लाह ताला हमें उस वक्त से पहले ये आगही और ये शऊर अता फरमाए कि हम इस्लाम की असल रूह को पहचाने और अपने सफर को उस रास्ते की तरफ लेके जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हैं अलामा साहब आपकी आमद का, साहबजा साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, सगीर भाई गरगाम साहब आप चारों मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सहर के इन बाबरकत लम्हात से कुछ ही देर के बाद कराची में अजान फजर का वक्त हो जाएगा। हमें दीजिए इजाज़त इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।